कीर्ति परोहा, कक्षा 12वीं जीव विज्ञान की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने आपके यूनिट 1 के चैप्टर के अंतर्गत पहले पढ़ा था अलैंगिक प्रजनन के बारे में, और चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं जीवों में होने वाला लैंगिक प्रजनन, उसको इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक प्रजनन क्या है पहले अपन ये समझेंगे। प्रजनन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जो है उसका डिस्कशन हम आपसे प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, अब हम डिस्कस करेंगे लैंगिक जनन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि लैंगिक जनन में लिंगों की आवश्यकता होती है, और साथ ही साथ उन लिंग के अंदर लैंगिक कोशिकाओं और लैंगिक कोशिकाओं में युग्मक बनते हैं, और युग्मकों का जो फर्टिलाइजेशन या संयोग होता है या फ्यूजन होता है, उसके बाद जाइगोट की उत्पत्ति होती है, और जाइगोट से ही एक नए जीव का विकास होता है। तो लैंगिक जनन की अगर हम परिभाषा देखें, कॉन्सेप्ट देखें, तो लैंगिक जनन में सदैव दो प्रकार की लैंगिक कोशिकाओं या युग्मकों का संलयन अथवा संयुग्मन होता है, फ्यूजन होता है, उससे जो बने युग्मनक से नई संतति का विकास होता है। तो यहाँ पर दो चीजें स्पष्ट है, सबसे पहली बात लैंगिक कोशिकाएं, लैंगिक कोशिकाएं पहली, इनमें क्या बने, युग्मक या गैमीट, गैमीट फॉर्मेशन हुआ। इन गैमीट का क्या हुआ आगे जाके, संयोजन या फ्यूजन, या आपस में इनका मिलान हुआ, संयोजन या फ्यूजन की क्रिया हुई, और संयोजन या फ्यूजन की क्रिया के बाद क्या बना, युग्मनज, युग्मनज इसको बोला गया, जायगोट। बच्चों, आप सब युग्मक और युग्मनज दो शब्दों में अधिकतर क्या करते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। युग्मक यदि छोटा शब्द दिखाई दे रहा है तो बिल्कुल सिंपल भाषा बता रही हूँ, इसका कोई बहुत रिलेटिव नहीं है इससे। युग्मक छोटा शब्द, युग्मक यानी गैमीट, और युग्मनज जिसमें एक शब्द एक और ऐड हो गया एक अक्षर, तो युग्मनज यानी जायगोट। तो ये दो युग्मक मिलने से ये बन गया युग्मनज, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं, अब देखते हैं अगर हम युग्मक, तो जो गैमीट होते हैं, चूंकि इसमें क्या होता है लैंगिक जनन, मतलब दो विभिन्न प्राणी होते हैं एक लिंगों वाले, तो जिसमें मेल पार्ट होता है या तो उससे जो उत्पन्न होता है, नर जीव से उत्पन्न होने वाला नर युग्मक या शुक्राणु कहलाता है। नर युग्मक शुक्राणु अगर प्लांट्स में है तो क्या हो जाएगा, पुंकेसर, और मादा युग्मक अंडाणु कहलाता है। तो ये जो है ये हो गया लैंगिक जनन की परिभाषा और उनके युग्मकों के बारे में। चलिए आगे देखते हैं कि किसी भी जीवधारी में जब लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया आरंभ होती है तो वो किन चरणों से होकर गुजरती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जीवधारी तुरंत जन्म लेते पश्चात ही नए जीवों की उत्पत्ति करने लगे लैंगिक जनन के माध्यम से। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लैंगिक जनन के जो पैटर्न्स हैं, पैटर्न्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन से हैं, पैटर्न्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन सी अवस्थाएं हैं जिनसे होकर एक कोई भी लैंगिक प्रजनन करने वाला जीवधारी गुजरता है और लैंगिक प्रजनन की अभिक्रिया को करता है। इसमें फर्स्ट है जुवेनाइल फेज, सेकंड है रिप्रोडक्टिव फेज, और थर्ड है सेनिसेंस और ओल्ड फेज। अब देखते हैं ये अवस्थाएं कौन कौन सी, इनका डिटेल देखें। जुवेनाइल फेज की अगर हम बात करें तो जुवेनाइल फेज को कहते हैं किशोर अवस्था, किशोर अवस्था। अगर हम जीवों में बात करें तो जीवों में जो किशोर अवस्था होती है वो जन्म से लेकर के चलती है टिल मैच्योरिटी,
परिपक्वता की अवस्था तक, परिपक्वता यानी जब तक वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं स्टार्ट कर देता तब तक की जो अवस्था कहलाती है वो किशोर अवस्था या जुबेनाइल फेस कहलाती है। अब अगर हम प्लांट्स में देखें, लेट मी सी इन प्लांट्स, अगर हम पौधों में देखें तो पौधों में भी ये अवस्था जो है वो किशोर अवस्था नहीं कहलाई जाएगी, ये भी पौधे के जन्म से लेकर के उसकी पुष्पन की अवस्था जब तक चलती है, जब तक वो फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं कर देता, बिफोर फ्लावरिंग, बिफोर फ्लावरिंग स्टेज यानी पुष्पन की अवस्था के पहले की जो अवस्था होती है, पुष्पन के पहले ये अवस्था जो कहलाती है, जहां पे किशोर नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे कायिक अवस्था। कौन सी अवस्था बोलेंगे बच्चों? इसको बोलेंगे हम कायिक अवस्था। यहां हम लिख दें जुबेनाइल फेस और वेजिटेटिव फेस। ये जो फेस कहलाती है ये किसी भी जीवधारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसी समय उनमें लिंगों का विकास, उनमें लैंगिक युग्मकों की क्रिया का विकास होने लगता है, साथ ही साथ उसमें वृद्धि और विकास भी उसके शरीरों का होने लगता है। और इस स्टेज के लास्ट उसमें आके अब जो है जो भी कोई भी जीवधारी है वो रिप्रोडक्टिव फेज के लिए में एंटर कर जाता है। तो देखते हैं सेकंड स्टेज कौन सी है। सेकंड स्टेज है हमारी रिप्रोडक्टिव फेज। सबसे पहले हम देखें प्लांट्स में, प्लांट्स में जो पुष्पन की क्रिया होती है पौधों में, अगर हम देखें रिप्रोडक्टिव फेज, तो जब पुष्पन की क्रिया आरंभ होने से पुष्पन की क्रिया शुरू हो जाती है, तब जो क्रिया हो जाती है उसको क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। पौधे पुष्पन की क्रिया के आधार पर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि पौधों को मुख्यतः दो भागों में बांट दिया है पुष्पन के आधार पर। पहला हो जाता है मोनोकार्पिक, मोनोकार्पिक अर्थात ये अपने जीवन भर में एक ही बार पुष्पन करते हैं। कैसे करते हैं? एक ही बार पुष्पन करते हैं। एक ही बार पुष्पन होता है। इसका उदाहरण है गेहूं, चावल, और ये फल बनने के बाद ये पौधे क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। तो ये एक वर्षीय या द्विवर्षीय हो सकते हैं। उसी प्रकार से दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक यानी बहुपुष्पन करने वाले, ये जीवन में अनेक बार पुष्पन की क्रिया करते हैं, अनेक बार इनके इनके प्लांट में अनेक बार पुष्पन की क्रिया होती है और अनेक बार ये प्रजनन प्रक्रिया लैंगिक प्रजनन को करते हैं। तो ये पॉलीकार्पिक पुष्प जो होते हैं वो बहुवर्षीय भी है, जैसे आम, जामुन, सेब, इस प्रकार से। अब जो पुष्पन की क्रिया होती है, कुछ पौधे बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपन को याद करना है। पहला है बांस का पौधा जो है, बांस का जो प्लांट है वो 50 से 100 वर्ष में एक ही बार पुष्पन की क्रिया करता है, वन टाइम, एक बार पुष्पन की क्रिया करता है। इसी प्रकार से एक और प्लांट है नीला करंजी। नीला करंजी का जो प्लांट है, जो पौधा है, वो 12 वर्षों में करंजी का जो प्लांट है वो 12 वर्ष में एक बार पुष्पन की क्रिया करता है, मतलब ये बहुत ही लेट फ्लावरिंग स्टेज पर आते हैं। तो ये हो गया पौधों में। अब अगर हम चले जीवों की ओर, जीवों में क्या होता है? जीवों में भी रिप्रोडक्टिव फेस होने लगती है, तो जनन की प्रक्रिया होने से उनके जननांग विकसित होने लगते हैं, साथ ही साथ उनमें क्या होता है? युग्मकों का निर्माण चालू हो जाता है।
और जीव जो है वो लैंगिक जनन के लिए तैयार हो जाता है। अगर हम बात करें स्तनियों में, मैमल्स में, स्तनी वो प्राणी कहलाते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं या उनमें दुग्ध ग्रंथियां मौजूद रहती हैं। स्तनियों में क्या होता है, स्तनियों में रिप्रोडक्टिव फेज जो रहती है उसमें अलग अलग में अलग अलग साइकिल में रहती है। जैसा कि एक होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल अर्थात पीरियड आना ऋतु स्त्राव चक्र कहलाता है, उसमें क्या होता है सिक्रेशन ब्लड सिक्रेट होता है और उसके बाद अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप होती है। तो ये जो प्राइमेट्स हैं जैसे एप्स हैं, बंदर हैं और मानव हैं, उनमें इस प्रकार का साइकिल पाया जाता है। दूसरा होता है ऊस्ट्रस साइकिल, ऊस्ट्रस साइकिल यानी मद चक्र इसको बोलते हैं। मद चक्र, ऊस्ट्रस साइकिल जो है उसको मद चक्र कहते हैं। ये जो नॉन प्राइमेट्स हैं जैसे कि गाय, चूहा, कुत्ता और हिरण, इनमें ऊस्ट्रस साइकिल पाया जाता है। तो ये कब तक रहता है, सिर्फ 24 घंटे रहता है और इस बीच में ही इनमें क्या होना चाहिए, संयुग्मन होना चाहिए युग्मकों का, तब कहीं जाकर के लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। तो ये हमने देखा रिप्रोडक्टिव फेज। अब नेक्स्ट फेज पे हम देखते हैं सेनेसेंस फेज और ओल्ड एज। सेनेसेंस या ओल्ड एज क्या है कि जब जीवधारी प्रजनन की प्रक्रिया करते हैं और उसके बाद ऐसी स्टेज आती है कि उनमें प्रजनन प्रक्रिया बंद हो जाती है। प्रजनन की जो प्रक्रिया है वो कैसी हो जाती है, प्रजनन की प्रक्रिया समाप्ति की ओर हो जाती है। अब वो और अधिक बच्चे पैदा नहीं करता। तब वो सेनेसेंस एज या ओल्ड एज में जाता है और इसमें जीवधारी का जो शरीर है वो जीर्ण होने लगता है और जीर्णता के बाद अंत में वो किसको प्राप्त होता है, मृत्यु को प्राप्त होता है। तो ये था बच्चों हमारे जो जीवन के तीन फेज हैं उनके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। अब हम देखते हैं लैंगिक जनन की घटनाएं। लैंगिक जनन में कौन कौन सी घटनाएं होती है, पहली होती है निषेचन पूर्व घटना यानी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, दूसरी होती है निषेचन या संयुग्मन यानी फर्टिलाइजेशन इवेंट, और थर्ड होती है निषेचन पश्च घटनाएं अर्थात पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट।